एक ऐसा लोंडा होना चाहिए भाई, मेरी माँ तो माँ मेरा दोस्त भी अभी कहेगा मैंने अपने भाई को दोस्त को नहीं लाया, हाथ में चोट लग रही है, धो नहीं सकता ना, कैसे भी एक हाथ से धो नहीं पाता। मैंने कहा तू ही दिला दे, नहाने का सिस्टम बंद है अभी, थोड़ा सा बरसात का मौसम हो गया ना तो इन्फेक्शन फैलने के चांसेस ज्यादा है। मैंने कहा अभी ऐसे चल रहे थे काम को ना, धो के ऑल सेट। और आजकल दिख रहा होगा जैकेट तो एक ही पहन रहा हूँ, एक्चुअल में हमारे फादर जी की है तो इसी वजह से हमें यही पहननी पड़ेगी, क्योंकि हाथ में ना फिर चढ़ती नहीं है, इसी चक्कर में मेरे को जैकेट फाड़नी भी पड़ गई थी अपनी, जब मेरे चोट लगी थी ना, जब तो मेरा पट्टी वट्टी होनी रखी थी तो मैंने ऐसी पहन ली थी, बट उसके बाद तो जरूरत पड़ गई ना, अब मोटे मोटी पट्टी है जिस वजह से जैकेट उतर नहीं पाती। एक उस सीन है, अभी गोलू भी आ रखा है, कहाँ है गोलू, ये रहा गोलू सामने की तरफ, इसका कुछ टूर वूर प्लान हो रहा है, टूर प्लान कर रहा है लोंडा। मैंने कहा चलो ठीक है, टूर प्लान कर रहा था, तैयारी वैयारी करके जाना पूरा रेडी शेडी होके, और नैनीताल का प्लान है उसका, कंपनी लेके जा रही है घुमाने के लिए, शॉपिंग चल रही है। मैंने कहा ब्लू वाला मेरा, तो साले ने ब्लू वाला ही अपने वाला ले लिया, अब ग्रीन ले लेना तू, सुन मेरी बात सुन, ब्लू वो ले ले, ग्रीन वाला जो इसमें लग रहा है, तो अपना वो ग्रीन ले, मेरा ब्लू रहने दे, कितने ग्रीन, ये भी तो ग्रीन है ना, तो ग्रीन ग्रीन, अच्छा चल ठीक है। एक भैया इसमें टी शर्ट देख रही विशाल में मार्ट पाए, अब देखे ऐसे एक सरफ बोल ले ले नहाने के लिए तेरे ये नया ब्रांड देखा आज हमने, इसमें 70% ऑफ है, तो इसमें जाके देखते हैं अभी अंदर कैसे कैसे मिलेंगे कपड़े। क्यों तेरा ऐसा कौन सा साइज है भाई, मीडियम ही तो आएगा ना, हाँ देख रेड कलर देख ले, पैरेट ग्रीन देख लो, बोलो वो तो मस्त लगेगा एकदम जीवन में टेंशन टेंशन कम थी जो और हो गई, बाल उड़ने लगे यार, बाल उठ टूटे गोल इस बार मेरे इस एक्सीडेंट के बाद, क्या मैं पतला पतला लग रहा हूँ क्या ऐसा, पहले वाली वीडियो देख लो उसमें मैं पतला लग रहा हूँ नहीं लग रहा हूँ, मतलब वो वाली देख ना, ये जैकेट देख लो एक्सीडेंट वाले दिन की और आज की, जैकेट सही लग रही है, ये वाला कलर बिल्कुल डिफरेंट रहेगा एकदम से, मतलब सेक्सी सा लगता है अलग अलग, दोनों चीज लग रही है, हाँ ये रेगुलर, ये हर चीज़ पे चलेगी तेरी, फॉर्मल भी केवल 3 दिन के लिए है बाकी तो फॉर्मल ही है, हाँ 80% भैया तुम इतने सीरियस क्यों हो, तो सीरियस नहीं है, हालांकि हम सीरियस नहीं है, इतना बड़ा हादसा झेल के अभी मेरा एक हफ्ते पहले एक्सीडेंट हुआ, अच्छा मेरी गाड़ी थी 15 लाख की, वो ख़त्म हो गई, उसका कुछ नहीं हो सकता, मैं तब टेंशन दे रहा था यार, तुम तो सही की चला हुआ दिख रहे मुझे टेंशन नहीं लेनी चाहिए, अबे ये भाई ये ऐसी है, कितना डिग्री तक झेल सकती है ये, माइनस टेंपरेचर में चलती है, कितना माइनस में, -2 -3 में चलता है, -2 -3 के लिए है ये, अबे तो चलेगी तो, पर ये बढ़िया चलेगी, ये इनका मेटल अच्छा रहता है, मैं आराम से चलती है, हाँ मैं वो ये से पता नहीं लोंडे को इतना भी, ये लोकल वाली नहीं है भाई, लोकल वाली नहीं है, एक इस टाइप के देख सकते हैं आप, तो वो दिख रही है हेड पर डाल के सेक्स लग रहा था, ये मेरे को बेस्ट लगी इसके लिए ना, अब इसमें कलर देख लेते हैं, ग्रीन है, ब्लू है और एक ग्रे है, इन तीनों में से देख लो कोई भी एक, इससे सस्ती क्या लेगा तू भाई, ये जैकेट बता, देखो प्राइस दिखाता हूँ मैं आपको, मेरा हाथ नहीं काम कर रहा है तो इसलिए मैं ठीक से दिखा नहीं सकता, रेट है 599, मतलब 6000 रुपये की जैकेट, कितने की एक्सपेक्ट कर रहे हो, हाईली कितना डिस्काउंट दो, 80% डिस्काउंट दिया है इन्होंने, मतलब ये नया ब्रांड आया है अपने साइड में, तो मेरठ में तो पहले ही है स्टोर, बट उत्तराखंड में 15 स्टोर बता रहा है भाई, और US की कंपनी है, बट अगर आप लोगों को विंटर के कपड़े लेने हो तो भाई सही से खरीद लो, बहुत सस्ता दे रहा है, 80% डिस्काउंट दे रहा है, जिसके भी आसपास नियर में है ना ये स्टोर, नाम क्या था स्टोर का अभी दिखा दो, है लिवरपूल शुगर, लिवरपूल लिवरपूल, हाँ लिवरपूल ब्रांड का नाम है, नई गणना जा रही है बहुत दुख है, ये कुछ याद दिला, बहुत दुख है जीवन में, बहुत दुख है, अभी एक जगह आए हम, और ये जगह वो है जहाँ पे मेरी गाड़ी, इस जगह इसी जहाँ ये क्रेटा खड़ी है ना, इसी लोकेशन पे मेरी गाड़ी खड़ी थी फर्स्ट टाइम, मतलब जो उसमें मैंने डेकोरेट कराया था ना 12 धाम के लिए और 4 धाम के लिए, 4 धाम और 12 ज्योतिर्लिंग के लिए, तो इसी लोकेशन पे खड़ी थी जहाँ क्रेटा आज खड़ी है ना, जब मैंने नाइट में फ़ोटो खींचा था पीछे बैकग्राउंड में ना ये पेड़ आ रहे थे ऊपर वाले, बहुत ही सुंदर व्यू आ रहा था उसका, देखूंगा थंबनेल में मेंशन कर दूंगा या फिर वीडियो में ही डाल दूंगा कहीं, तो रुको ना तो आप लोग देख के समझ जाओगे कि कौन से फोटो की बात कर रहा हूँ यार, और ईस्ट भाई अभी जहाँ आया हो ना, ये देखो
छोटा मंदिर राम मंदिर वो बड़ा, ये तो बहुत प्यारा लग रहा राम मंदिर ना। और इसका चार्जेस बताऊँ कितना डिजाइनिंग शुल्क यहाँ पर लिखे, अच्छा 500 रुपये लिखे हुए छोटे मंदिर के, बट वो बड़े वाले को पूछ बताता हूँ अभी। लो भाई वहाँ पे तो हमने सामान वामान दे दिया, सबसे पहले मंदिर के पैसे बता दो, वो था 2800 रुपये का जो सबसे प्यारा लग रहा था, ठीक है। दूसरा बराबर में ये कोई नई शॉप खुली है, 1.5 साल हो गया, हमने सोचा कि यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं, मैं भी यही हूँ और बाकी बातें मैं बाहर ही करूँगा क्योंकि यार यहाँ पे ना गाने चल रहे हैं, म्यूज़िक कॉपीराइट की दिक्कत है, ठीक है। जब तक मैंने क्या क्या ऑर्डर करा वो दिखाता हूँ, अभी आने दो भैया, हाथ का इस्तेमाल करो ना, क्या होगा ये एक्सीडेंट के बाद, देख लो गाइस कैसी दशा हो गई है, आपने इमेजिन कर सकते हो ऐसे कौन खाता है, कुत्ता एक पैर रख के एक हाथ रख के ऐसे खाता मुझे वही दशा हो गई है इनकी, क्या सब कहेगा मैंने, इंसान गए जानवर गए समझ नहीं आ रहा कुछ है। भी तुझे खुशी नहीं है मैं आ गया वापस, मेरे से पैसे खर्च करा रहा तू, गम किस बात का है वापस खुशी है जब तो पार्टी चल रही है नहीं तुम्हारी तरफ से ऐसे तो हाँ कह तो रहा हूँ तुम्हारी तरफ से पार्टी, आराम से खाओ यार इंसान हो गया, माना पैसे तुमने दिए। रोल खाने की खुशी में रोल दिखाने ही भूल गया, ये देखो मेरे से क्या काम करा रहा, मजदूरी करा रहा मेरे से। नर्सिंग होम आ गए भाई पट्टी वट्टी कराने के लिए, ये भैया करेंगे सामने की तरफ गोलू के जानकारी में, कह रहा हूँ नहीं कराएंगे नर्सिंग होम पे आज, क्योंकि नॉर्मल डॉक्टर से मैंने कराई थी तो बस बता नहीं सकता दोबारा नहीं कराने का। अब नर्सिंग होम में इसलिए आया क्योंकि यहाँ तो बड़ी छोटी सब तरीके की चोट आ जाती है, तो उसी हिसाब से ये लोग करते हैं, तब यही है कारण मेरा यहाँ पे आने का कि ये थोड़ा सा तरीके से करेंगे भाई, टाइट नहीं बांधनी चाहिए मतलब पट्टी ना ऐसी चोट में, भाई मेरी बहुत ज़्यादा टाइट बांधी थी इस वजह से मैं दोबारा वहाँ गया नहीं, अब करा लेते पट्टी है नहीं। मामला सोयलिंग का तो कम है, कल सब तक कम है इसमें तो ये थी तो ये वाली थी साइड में आनी दूसरों, हाँ रिकवरी तो हो रही है धीरे धीरे, दूर से देखो यार आप तो लोग ना गिन आ जाएगी वरना बहुत ज़्यादा डैमेज है, ये ना पता कहाँ चोट में दर्द है मेरे, मैंने आप देखिए देख यहाँ यहीं तो दर्द है, हड्डी है ना जॉइंट थोड़ी इसलिए तो उंगली चल रही है, ये जो जॉइंट है ना जॉइंट जॉइंट समझाओ बोलो जरा कौन सा जॉइंट बात कर रहे हम, हाँ यहाँ जैसी जगह जॉइंट है ना ये दर्द कर रहा, स्वेलिंग तो अभी बहुत है। सुन सुन सी है थोड़ी सी उंगली है ना, अभी जख्म है ना, हाँ सुन पन तो है ना, काले काले जैसी सो गए थे ये, अंदर डैमेज स्किन हो गई थी तो फिर उन्होंने बोला था किसी को दिखाना, उन्होंने नीरज बोले सही है सर्जन में, उस टाइम कोई था भी नहीं शाम को 5 बजे उधर आप छुट्टी ले, अभी तक के सबसे बेस्ट सफाई करी है उन्होंने हाथ की ना, मतलब जिससे भी करी पर सफाई से करा बिल्कुल, कहा मैंने कहा अभी तक सबसे अच्छे तरीके से आपने सफाई करी है ना, जहाँ पे हमने नीरज गोयल था ना डॉक्टर उनके पास भी ऐसे नहीं करी किसी ने सफाई, आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा हो, वैसे तो मैंने कुछ बहुत अच्छा नहीं करा, मैं देख चुका वीडियो ना कैसे कैसे शूट किए, बट ये मेरी आज की लाइफ थी। एंड अभी से पहले मैं अगर बात करूँ थोड़ा बहुत मैं हंसी मजाक ज़्यादा कर लिया करता था, घूम लिया करता था, अच्छी चीज़ें दिखा दिया करता था, बट आज मैंने उस एक्सीडेंट के बाद थोड़ा सा बाहर निकला हूँ और चीज़ें थोड़ी सी कसी करी हैं कि हाँ चलो ठीक होती हैं, बाकी आप लोगों से एक एडवाइस चाहिए थी, पहले आप मेरे को कमेंट करके बताना यहाँ तक कब लोग ठीक था या नहीं था, दूसरा उसके बाद की कमेंट मेरे को ये चाहिए आप लोगों से एडवाइस चाहिए, क्या मुझे अपनी ये वाली गाड़ी ठीक करानी चाहिए आफ्टर मार्केट कंपनी में ना करा के, क्योंकि कंपनी में तो आप लोगों को पता ही है कि उन्होंने कितना एस्टिमेट बता दिया है, ठीक है 20 से 25 का उन्होंने भरा बीस तो बता दिया, 25 तक का आप लोग समझ रहे हो, और मेरे को बाहर ठीक करानी चाहिए नहीं करानी चाहिए, ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि टोटल लॉस में गाड़ी दे दो,
और कुछ लोग बोल रहे कि गाड़ी ठीक कराओ, बट मेरा मानना यह है कि यार जो चीज़ इस टाइम पे इतनी ज़्यादा डैमेज हो चुकी है, उसे मैं ठीक तो करा लूँगा, बट क्या उसके अंदर वो बात आएगी, क्या वही चीज़ उसकी वही बिल्ड क्वालिटी उस वो दोबारा से मेंटेन कर पाएगी उस गाड़ी की, तो वो सब चीज़ें हैं, वो सारी डाउट हैं, तो उस चीज़ को लेके मैं चलना नहीं चाह रहा। तो आप लोग मेरे को एडवाइस दो, थोड़ा सा गाइड करो। वैसे मैं गाइड तो मैं मतलब मैंने आप लोगों के कमेंट्स देख लिए हैं, मोस्टली लोगों के कमेंट करे, दैन रियली भाई सॉरी, इतने ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि मैं रिप्लाई करने में असमर्थ हो रहा हूँ। कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे, शायद एक दो दिन तीन दिन लगे, बट मैं कमेंट करता रहूँगा सबके, जिसके लाइक करने वाले होंगे लाइक कर रहा हूँ, और जिसका रिप्लाई देने वाला कमेंट होगा मैं रिप्लाई कर रहा हूँ। बाकी यही कुछ सीन था आज का। और एक चीज़ और थी वो ये कि हमारी गाड़ी में जो मैंने एस्टिमेट बनवाया था उसमें कुशाक गाड़ी डाल दिया था, वो भाई मेरी सिलावे ही है, और कुशाक उन लोगों से गलती से डल गया था, तो उसके लिए मैंने उनसे बोल दिया था, जब भी उन्होंने करेक्शन करके मेल में वापस रिसेंड कर दी थी, बट हार्ड कॉपी जो थी उन्होंने वो दोबारा नहीं निकाली थी, हार्ड कॉपी मेरे को एक बार ही दे दी थी। तो वो सब चीज़ें थी, और इंश्योरेंस का मैंने आप लोगों को बता दिया लास्ट व्लॉग में कि इंश्योरेंस में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, वो सब चीज़ें ज़रूर लेना भाई जिसे भी नई गाड़ी लेनी हो। तीसरी चीज़ आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मेरे को बहुत ज़्यादा चाहिए, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं, एंड शायद मेरे पास धन्यवाद कह के भी मैं बहुत कम कह पा रहा हूँ आप लोगों को ना। आप लोगों ने मुझे उस जगह से निकाला, मतलब उस डीप उसमें चला गया था मैं, एक क्या कहते हैं सदमे में, कि मैं बता नहीं सकता, एक दो दिन मैं थोड़ा समय लिया, बट आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के, आप लोगों का जो सपोर्ट मिला है ना मेरे को वीडियोज़ देख के, लिटरली मैं ना उस चीज़ को मैं मेरे को वो, मैं अगर गाड़ी के बारे में बात करता हूँ ना तो मेरे आंसू आ जाते हैं, मेरे मतलब वो इमोशन से जुड़ी हुई है ना गाड़ी, तो वो सब चीज़ें हैं। बट जब मैंने वो कमेंट्स पढ़े ना तो मैं एकदम से कुछ हुआ, और वो अच्छा सा लगा मेरे को बहुत ज़्यादा कि यार अब मैं नहीं हूँ, मतलब मेरे साथ ना आप लोग हो, इतने सारे लोग जुड़ गए मेरी, मतलब पहले मैं बहुत छोटी सी एक फैमिली के साथ था यूट्यूब की, बट आज इतनी बड़ी फैमिली है जो मेरे को इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, और मेरे को उस जगह से निकालने के लिए, मतलब उस गाड़ी के बारे में सोच के ना मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा था, एंड आप लोगों के कमेंट पढ़ के मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हुआ, थोड़ा सा ठीक हुआ कि मैं फिर से वो चीज़ कर लूँगा, आप लोगों के सपोर्ट रहेगा ना तो मतलब भाई मैं फिर से वो चीज़ें अपनी, देखो वो इमोशन है उस गाड़ी के साथ जुड़ा हुआ, तो वो चीज़ तो शायद कभी कवर नहीं हो पाएगी, बट हाँ उस जैसा कुछ हम साथ में दोबारा ला सकते हैं, वैसे ही सब चीज़ें रिपीट कर सकते हैं। तो और बस आज के लोग में इतना ही, लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी, जय श्री राम। अब मैं मुट्ठी नहीं बंद कर पा रहा, अभी थोड़े से टाँकों की दिक्कत है, बट डॉक्टर ने बोला मूव करने के लिए ऐसे ऐसे फिंगर, काफ़ी हद तक हो रही है मूव, बट अभी मेरी पकड़ मजबूत नहीं है।